फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीजी टेक्नोमर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल में प्योर टेबल फॉर बिगिनर सिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपको प्योर टेबल क्या होता है वो बताऊंगी। प्योर टेबल एक इंटरेक्टिव टेबल है जो यूजर्स को आसान रिपोर्टिंग और एनालिसिस के लिए बड़े डेटा को छोटे और टेबल ऑफ फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने की सुविधा देता है। प्योर टेबल आपके सारे डेटा को कम से कम जगह में संक्षिप्त रूप में दर्शाता है। प्योर टेबल कैसे यूज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। शीट में अगर आपका डेटा टेबल ऑफ फॉर्म में है तभी हम प्योर टेबल का यूज कर सकते हैं। अगर टेबल का कोई भी बॉक्स ब्लैंक है तो हम प्योर टेबल का यूज नहीं कर सकते। प्योर टेबल जो डेटा शीट में अवेलेबल है उसी से बनता है। अगर कोई भी सेल मर्ज नहीं है तो प्योर टेबल यूज मर्ज नहीं करता है। पहले उसको अनमर्ज करेंगे और उसके बाद ही उस डेटा को हम ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सेल में प्योर टेबल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड लिया है पिकल सेल्स बाय सिटीज़ का। यहाँ पे कुछ सेल्स पर्सन के नाम लिए हैं, कुछ सिटीज़ के नाम लिए हैं, ऑर्डर्स लिए हैं, कितना ऑर्डर उनको मिला है और टोटल सेल कितनी है वो लिखा है। हम प्योर टेबल की मदद से इस डेटा को आसानी से समराइज कर सकते हैं। इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और बाद में हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और प्योर टेबल को सिलेक्ट करेंगे। आप मैन्युअली भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है सेट टेबल रेंज, तो यहाँ पे आप आपके टेबल की रेंज दे सकते हैं। आप अगर चाहते हो कि डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए तो आप अपने रिकॉर्ड में कहीं पर भी सिलेक्ट करें और प्योर टेबल को क्लिक करें, रिकॉर्ड अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। बाद में ये पूछता है कि आपको प्योर टेबल न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, तो आप अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू शीट में चाहिए तो आप न्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एग्जिस्टिंग पे चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। अगर आपने एग्जिस्टिंग शीट को चुना तो आपको पहले सेल सिलेक्ट करना होगा। प्योर टेबल की रिपोर्ट आपको कहाँ पे दिखानी है ये आपको शो करना है। तो मैं मुझको ये शीट वर्कशीट पे चाहिए, न्यू वर्कशीट पे, तो मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगी तो ये यहाँ पे न्यू वर्कशीट में मेरा प्योर टेबल तैयार हो जाएगा। तो ये हमको एक टेबल दिखा रहा है। शीट की दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट साइड में हमको कुछ कॉलम्स दिए गए हैं। जो डेटा मैंने टेबल में लिखा था वो डेटा यहाँ पे आ गया है। सेल्स पर्सन, सिटीज, ऑर्डर्स, टोटल सेल्स। यहाँ पे अगर मैंने सेल्स पर्सन पे क्लिक किया तो ये मुझको सारे सेल्स पर्सन के नेम दिखाएगा। ब्रैंडी, जोसेफ, किरण, किशोर, नितिन, पूजा, विजय। उसके बाद मैंने टोटल सेल्स को सिलेक्ट किया तो ये मुझको सारे टोटल सेल्स दिखाएगा और उसका सम ग्रैंड टोटल भी हमको शो करेगा। अगर मैंने सिटीज पर सिलेक्ट किया तो ये मुझको सारे सिटीज की सेल्स और उसका नेम दिखाएगा और कौन से सेल्स पर्सन वहाँ पे काम करते हैं वो भी शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल्स पर्सन टोटल सेल्स वो भी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ये मुझको सिर्फ सिटीज के नेम शो करेगा। तो हमको जो डेटा चाहिए वो हमें प्योर टेबल अवेलेबल कर देता है। अगर मुझको सिर्फ सेल्स पर्सन चाहिए तो ये मुझको सिर्फ सेल्स पर्सन शो करता है। अगर मुझको टोटल सेल्स ही चाहिए तो
मुझको सम ऑफ टोटल सेल्स शो करेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं पिवट टेबल में, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज़। तो मुझको रिपोर्ट फिल्टर में सेल्स पर्सन को लेना है। तो देखिए ये मुझको यहाँ पे दिखा देगा सारे सेल्स पर्सन के नाम, कंप्रेस कर देगा और ये सिर्फ ऑल में दिखाएगा, इसे शो करेगा। जो हमको चाहिए उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो देखिए ये मुझको ब्रांड नहीं दिखा रहा है, अगर मुझको किरण चाहिए तो ये इसे शो करेगा। देखिए अब मैं इसको टोटल सेल्स को वैल्यूज में लूँगी। तो देखिए सम ऑफ टोटल सेल्स ये मुझको शो कर रहा है और मुझको सिटीज को रो लेबल्स में लेना है, तो ये मुझको रो लेबल्स में शो करेगा। देखिए मैं इसको टोटल सेल्स को डिलीट कर दिया, तो ये मुझको रो लेबल सिलेक्ट करके दिखा रहा है। हैदराबाद को सिलेक्ट करूंगी। तो ये मुझको ऐसे शो कर रहा है। अगर मुझको ऑर्डर सिलेक्ट करना है तो ये मुझको सम ऑफ ऑर्डर्स दिखा रहा है। मैं ऑर्डर्स को यहाँ पे लूंगी रो लेबल्स में, तो ये मुझको ये दिखाएगा। देखिए ऑर्डर्स में कॉलम लेबल्स में लूंगी, मुझको ऐसे शो करेगा। तो ऐसे ही हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं पिवट टेबल की मदद से। तो ये था एक्सेल में का पिवट टेबल हम कैसे यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो यूट्यूब पर देखते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल विजय टेक्नोबज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe and share my channel VJ Technobuzz.